भाई फूल आगे ले वापस सबकी मारने आगे ले फिर से फलक तक चल साथ चल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग एंजॉय किया होगा ये मेरे को नहीं पता भाई, आप लोग कमेंट करके बताते हो। उन्हें बहुत ही कम कमेंट आ रहे हैं, प्लीज़ यार कमेंट करो, ज़रूर कमेंट करो कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। सबसे पहले तो है कहाँ कहाँ से लोग मेरे को देख रहे हैं, ये भी तो पता लगना चाहिए यार। आज हम जा रहे हैं पिथौरागढ़ की बाजार, तो भाई बने रहिएगा व्लॉग में लास्ट तक। और जितने लोग भी चैनल में नए हैं ना, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन यानी कि बल दो गाड़ो उसने जो उल्ट टंग टंग कर दिया। ठीक जी, तो चलते हैं सीधे आज के ब्लॉग की तरफ। कौन है गाइस? क्या हुआ? बस बढ़िया, आज पिथौरागढ़ मार्केट में शोभा बढ़ा दिया पूरे ब्लॉग की मेरे, बताया। ये भाई कहाँ हो रही रजवार जी लड़कियों के पीछे तुम घूमते रहो। बोलो बाटारन स्वामी की। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और सब कर देना भाई। नाम? मेरा यो यो ब्लॉग नहीं, मेरा कोई चैनल नहीं है, मैं इस चैनल की बात कर रही हूँ। नाम? मेरा यो यो ब्लॉग नहीं, मेरा कोई चैनल नहीं है, मैं इस चैनल की बात कर रही हूँ। मैं जड़ी जागोहान लो। अच्छा, मेरे चैनल को बोला ना आपने? इनके चैनल को। ओके थैंक यू। जालिमा बाटे में हर दे बिनो दो, जालिमा पन के ले हो ले हो। अपना इकलौता सब्सक्राइबर मिला है भाई। सब्सक्राइबर भी हुआ और मतलब कई जगह देखा भी है, उस दिन याद ही हो गया आपको। एक और सब्सक्राइबर मिला है भाई। बिलाल जी के चैनल मतलब इतना पॉपुलर है कि सब्सक्राइबर क्या लाइन लग जाएगी ऐसी। मेरा एक और सब्सक्राइबर मिला है मुझे। सब्सक्राइबर मिलने हैं थोड़ी देर में, यहाँ पे खड़े रहूंगा ना भाई, भीड़ लग जाएगी। भीड़ लग जाएगी, पूरा माहौल बिगड़ जाएगा, पुलिस को बुलाना पड़ेगा भाई। तुम्हारी जैसा व्लॉग कोई नहीं बनाता। और जो भी है, बिलाल जी के चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करो। दीदी बहुत फेमस है हमारी। अच्छा, ये क्या कर रहे हो दीदी? जहाँ पुलिस वालों को भी खबर पहुंच गई यार कि मैं आ रहा हूँ यहाँ। कितने रुपए टिकट है? मात्र 20। तो भाई आज हम पहुंच गए लंदन फोर्ट में पिथौरागढ़। और ये रही टिकट, चेक करो। ठीक हो गया? और दादा कैसे हो? मारे बना रहा क्या? कैसी बात कर रहे हो? हमारा फिर हमारे सब्सक्राइबर है यार दादा, अपने चली के हुए तो। इस किले का जो इतिहास है ना, बहुत पुराना इतिहास है। ये गोरखाओं के टाइम का किला है। गोरखाओं के समय का। फिर इसमें उन दोनों के आपस में लड़ाई हुई, गोरखाओं और उसकी अंग्रेजों की। हाँ, सुकौली संधि 1815 में उन्होंने अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 1815 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था यहाँ पे बताया गया है इस किले का इतिहास। और ये है पिथौरागढ़ का संक्षिप्त परिचय। पिथौरागढ़ की धरती को वीरों की धरती कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1919 के महायुद्ध में पिथौरागढ़ क्षेत्र के 1005 सैनिकों ने प्रतिभाग किया था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इसमें लिखी हुई, बताई हुई हमें, जो आप लोग यहाँ पे पहुँच के इसको पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं आपको देख, व्यू पॉइंट है, म्यूजियम है, कुमाऊनी रेस्टोरेंट, लोकल क्राफ्ट सेंटर। ये रेस्टोरेंट है यहाँ का, क्या क्या मिलता था इस रेस्टोरेंट में? यहाँ हर चीज मिलता है, हमारे पहाड़ से रिलेटेड मिलता होगा क्यों? पालक का काफा मिल जाएगा, मड़वे की रोटी मिल जाएगी, गहत की दाल मिल जाएगी, और बड़ा मिल जाएगा, झुमरों की खीर, हमारे पहाड़ी में बोलते हैं मादीरा, उसकी खीर मिल जाएगी। मादीरे की खीर? हाँ, गाइस मैंने खाई नहीं है, सुना बहुत है इसके बारे में, बहुत टेस्टी होता है। Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. यहाँ पे आप एनिवर्सरी फंक्शन बना सकते हैं, हैप्पी बर्थडे फंक्शन बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं लंदन फोर्ट में आपके लिए। A few moments later. ना जी तेरे बिना दिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना। पिथौरागढ़ के जितने भी मेरे सिंगल भाई लोग हैं ना, मैं खुद, तो हम लोग ऐसे इसके साथ में फोटो शूट करते हैं यहाँ पे। यो यहाँ पे क्या है यार, वाओ
हमारा जो पहाड़ी कल्चर है ना उसका ही मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं अंदर से। नाट्य अकादमी के साथ हम लगातार विगत 7 वर्षों से कार्य कर रहे हैं रंगमंच के क्षेत्र में और लोक कलाओं के ऊपर, लोक विधाओं के ऊपर। आपने देखा भी अंदर हमारा क्राफ्ट सेंटर है, तो लोकल के आर्ट को हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाने के लिए क्राफ्ट सेंटर को बिल्ड किया हुआ है। तो आप लोग आइए, विजिट करिए, और हमारा यूट्यूब चैनल है भावराग ताल नाट्य अकादमी पिथौरागढ़, तो आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और भैया को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये यहाँ चेक करो यार, फोटो शूट के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ। यहाँ आकर कैसा लगता है स्पेशली? यहाँ आके एकदम क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? सब हमें देख के भागने लग गए भाई, बिलाल जी का खौफ। उप्पी बोलते। मेरे पहाड़ों में जन्नत दिखती है, लिखावट मेरी पहाड़ों पर ये लिखती है। मेरे पहाड़ों में मिस्टर बॉन्ड भी पहुंच गया यार, किसकी जासूसी करने आए हो ये तो बताओ? जासूसी करने आए हैं कि कॉम्बो की। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं नैनीताल मोह में। तो भाई आज हम आपको लेके पहुंच गए पिथौरागढ़ के नैनीताल मोह में, राहुल दा की फेवरेट शॉप, और यहाँ पे प्राइस चेक करो, प्राइस देख सकते हैं। नैनीताल में मोह किस वजह से रखा डरा है दुकान का नाम? नैनीताल गए हैं, है ये मुंशारी के हैं ये, किसने बोला? तो भाई अब हम लोग यहाँ पे मोमो खाते हैं, ठीक है, और फिर आपको लेके चलेंगे मार्केट। भाई आज हम फूड ब्लॉगर भी बन गए, पता है, मस्त हो रहे हैं यार एकदम। नैनीताल मोमो जरूर चेक करना, रही पुल के पास। अब हम करेंगे ऐसे वाला जो हमने नैनीताल में किया था ना, वही वाला ऐसे करके जाएंगे और ऐसे पंच। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को आज मैं कुछ ना कुछ खिलाने वाला हूँ, तो क्या ना आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है। लास्ट मारो आंटी, कुछ खाने के लिए मिलेगा आपको। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
इधर लाओ, तुम्हारे लिए नहीं हो, तुम्हारे लिए नहीं है भाई। अरे मैं किसको खिलाऊं भाई, लास्ट वन चाहिए, फिर उसके बाद हम जा रहे हैं। हेलो छोटे भाई, बढ़िया हम यही पिथौरागढ़ वाले हैं यार। कहाँ रहते हो? घर में। अरे घर में, अच्छी वीडियो बना रहे हो गाइस। हूँ मैं पहाड़ी, पहाड़ों में है मन, रहते साफ हम दिलों के, नहीं रखते कोई घमंड। देवभूमि है ये मेरी, रुके ना मेरे कदम, आके देखो तुम यहाँ, सांसें जाती है ये थम। लाया देखो पहाड़ी ढील में, देखो पहाड़ी लड़का फील में, कर रहा देखो पूरा चील में, पहाड़ों की ये ऊंची हील में। लाया देखो पहाड़ी ढील में, देखो पहाड़ी लड़का फील में। चलो भाई, राहुल दा के साथ मैं जब भी आता हूँ ना यहाँ, कुछ ना कुछ खिला ही देते हैं। राहुल दा आज क्या खिला रहे हो? दिस इज ओनली फॉर यू। सच में? yeah. मत करो यार। वाओ गाइस चेक दिस, राहुल दा कितने अच्छे हैं यार, इन्होंने मेरे लिए चॉकलेट गिफ्ट किया है, मुझे पता है आज। वाओ यार थैंक यू राहुल दा। मिलो भाई लोगों से, इनका मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ यार। ओह माय गॉड, मैंने भाई को दे दी अब टॉफी, भाई कह रहा मैं खिलाऊंगा लोगों। जाके अनसब्सक्राइब करता हूं, पहले मेरे को टॉफी मिली नहीं है भाई। अरे खाने के लिए दो टॉफियां दी है मैंने, ये खाने के लिए थोड़ी है। जितने भी लोग आपको देखने के लिए मिले होंगे अभी तक ब्लॉग में, तो सबको कुछ ना कुछ हमने छोटा मोटा आइटम गिफ्ट किया है। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज 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 कमेंट करके बताना ना भूले। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आप सभी से विदा, मिलते हैं काफी जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।